हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में। और हम बात कर रहे हैं डिबेंचर्स पर, और आज का टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, परचेज ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट, यानी ऋण पत्रों का खुले बाजार में क्रय द्वारा शोधन किस तरह से किया जाएगा। देखिए, पढ़ने पर थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन इस टॉपिक को मैं अपने इस वीडियो में बहुत इजी कंसेप्ट के साथ समझा रही हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल डॉक्टर विनीता अरोड़ा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। यदि खुले बाजार से ऋण पत्रों का क्रय किया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? ये ओपन मार्केट क्या चीज़ है? तो ओपन मार्केट से मतलब स्टूडेंट्स स्टॉक एक्सचेंज से है। यानी हमने स्टॉक एक्सचेंज की बात सुनी होगी, जहां पर कई सारी प्रतिभूतियां यानी सिक्योरिटीज़, चाहे वो बॉन्ड्स हों, डिबेंचर्स हों, शेयर्स हों, इन सभी का परचेज और सेल होता है। इस स्टॉक मार्केट के बारे में आप सभी अच्छे से जानते हैं, तो यहां पर ओपन मार्केट से मतलब स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट से अपने डिबेंचर्स को परचेज करना है। यानी यदि कंपनी परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट की बात कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी जाएगी और अपने डिबेंचर्स को परचेज कर लेगी। सो गाइस, सिंपल सा कंसेप्ट, लेकिन ऐसा क्यों होता है इस पर हम थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि जब हमें कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है तब हम जर्नल एंट्रीज को भी आसानी से समझ लेते हैं। तो ऐसे ही शॉर्ट टिप्स, ऐसे ही शॉर्ट कंसेप्ट के लिए हम आपके पास अच्छे वीडियो कंटेंट्स पहुँचा रहे हैं। तो गाइज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे वीडियोज़ आप तक ज़रूर से पहुँचें। तो बात करते हैं कंपनी ऐसा करेगी ही क्यों। देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रहती हूँ कि मान लीजिए एक कोई डिबेंचर जिसे कंपनी ने 2012 में इशू किया था, और 100 रुपये का एक डिबेंचर कंपनी ने इशू किया। नाउ जब कंपनी 2020 में इसके रिडम्पशन की बात करती है, तो रिडम्पशन है 100+10 रुपये पर, यानी 110 रुपये पर। इसका मतलब आप अच्छे से समझ रहे हैं, 2012 में कंपनी ने डिबेंचर होल्डर से 100 रुपये लिए हैं, और 8 साल बाद यानी 2020 तक कंपनी ऐसे डिबेंचर होल्डर को 110 रुपये का भुगतान करेगी। जी हाँ, 10 रुपये प्रीमियम के साथ इसका भुगतान करेगी थ्रू आउट द ईयर। यानी जितने भी साल डिबेंचर्स का रिडम्पशन जब तक नहीं होता है, तब तक कंपनी ऐसे डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देती रहेगी। सो गाइस, कंपनी ऐसा क्यों करती है कि कंपनी ओपन मार्केट से यानी स्टॉक मार्केट से ही अपने डिबेंचर्स को परचेज कर ले। सबसे पहली बात तो मैं आपको नोटिस में लाना चाहूँगी गाइस, कि यहाँ पर जो मैंने आपसे बात की है वो ये कही है कि कंपनी अपने डिबेंचर्स को 2020 तक शोधन करेगी। यहाँ 2020 में शोधन नहीं लिखा है, 2020 तक शोधन की बात की जा रही है। 2020 तक शोधन किया जाएगा, इसका मतलब ये है कि कंपनी एक निर्धारित समय के बाद यानी 5-6 साल होने के बाद कंपनी अपने डिबेंचर्स को मार्केट से परचेज करना शुरू कर देगी। क्योंकि यदि कंपनी की ऐसे डिबेंचर्स की मार्केट प्राइस 110 रुपये से कम हो, तो कंपनी ऐसे डिबेंचर्स पर 110 रुपये से कम के मार्केट प्राइस पर खुद मार्केट में जाकर ऐसे डिबेंचर्स को परचेज कर लेती है। यानी जब हम एक स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि हमारा बायर कौन है, हमारा सेलर कौन है। केवल एक मीडिएटर या हमारा एजेंट लगा होता है। वो एजेंट हमसे पूछता है कि राइट नाउ कंपनी के डिबेंचर्स की रेट 103 रुपये चल रही है, यू वॉन्ट टू सेल इट? इफ यस, तो खरीदार को बेच दिया जाता है। तो यदि यहाँ पर बेचने वाले और खरीदने वाले, यानी बेचने वाले को भी खरीदार का नाम पता नहीं होता है, और खरीदने वाले को भी बेचने वाले का नाम नहीं पता होता है, तो यानी यहाँ पर कंपनी इनडायरेक्ट वे में स्टॉक मार्केट में आती है और अपने ही डिबेंचर्स को परचेज करने लग जाती है। ये बात आपके दिमाग में ज़रूर आएगी कि यदि इस तरह से भी परचेज, इस तरह से भी रिडम्पशन हो सकता है, तो वाई कंपनी अपने डिबेंचर्स को 2020 तक होल्ड करके क्यों रखेगी। देखिए, इसका आंसर ये है
कि कई सारे डिबेंचर होल्डर्स यहाँ पर होंगे, कुछ मेरे जैसे होंगे जो सोचेंगे जहाँ पर पैसों की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर कंपनी, वहाँ पर डिबेंचर होल्डर अपने डिबेंचर्स को बेच देगा, बीच में ही इंटरवेलिंग पीरियड में ही एक डिबेंचर होल्डर अपने डिबेंचर्स को स्टॉक मार्केट में बेच सकता है। यदि मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मैंने अपने डिबेंचर्स को मार्केट में बेच दिया, मुझे 100 रुपये में मिला था लेकिन अब मुझे 103 रुपये में मार्केट से मिल रहा है, ठीक है 3 रुपये का तो प्रॉफिट हुआ। तो इसी कंसेप्ट के साथ मैं अपने डिबेंचर्स को मार्केट में बेच दूंगी। लेकिन सारे डिबेंचर होल्डर्स ऐसे नहीं होते, कुछ डिबेंचर होल्डर्स थोड़े अलग टाइप के होते हैं, वो सोचते हैं पड़े रहने दो हमें कहाँ ज़रूरत है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे कुछ डिबेंचर होल्डर जो 2012 में अपने डिबेंचर्स परचेज तो करते हैं यानी कंपनी को 100 रुपये उधार तो देते हैं, लेकिन 2020 तक बैठे रहते हैं, 2020 तक कंपनी के पास एज डिबेंचर होल्डर रजिस्टर्ड रहते हैं। ये ऐसे डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी 2020 तक शोधन कर देगी, यानी कंपनी खुद डिबेंचर होल्डर्स को बुलाएगी और उनके पैसे का भुगतान कर देगी। यानी यदि हम बात करें यहाँ की शर्त की तो 110 रुपये का भुगतान कर देगी। लेकिन कुछ डिबेंचर होल्डर्स को बीच के समय में ही पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो वो अपने डिबेंचर्स को स्टॉक मार्केट में बेच देता है। और लेकिन यहाँ पर जब कंपनी खुले मार्केट से, खुले बाजार से अपने ऋण पत्रों का क्रय करती है तो खरीदार कौन है? जी हाँ, खरीदार है कंपनी। तो यदि कंपनी को स्टॉक मार्केट में प्राइस 110 रुपये से कम मिलती है तो कंपनी अपने ऋण पत्रों को मार्केट से क्रय कर लेती है। इस प्रकार कंपनी अपने ऋण पत्र धारियों को अप्रत्यक्ष रूप में ही भुगतान कर लेती है। मैं ये नहीं कहती कि 100% ऋण पत्र धारी यहाँ पर इस तरह से शोधन हो जाएंगे, लेकिन हाँ 60%, 40%, 50% डिबेंचर होल्डर्स इस तरह से भुगतान हो जाते हैं। यह एक इनडायरेक्ट वे है। एंड गाइस एंड डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ द लीगल वे टू रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के रिडम्पशन का ये एक लीगल वे है। किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं किया जा सकता क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स अपने डिबेंचर्स को बेचने को तैयार हैं और खरीदार यहाँ पर कंपनी है, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप में कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को भुगतान कर देती है और अपने डिबेंचर्स अपने पास ले लेती है। इससे कंपनी को लाभ ये होगा कि कंपनी शोधन की राशि से कम राशि पर ही अपने ऋण पत्र धारियों का भुगतान कर देती है। ऑफ कोर्स, लेकिन अब आप यहाँ कहेंगे कि यदि डिबेंचर्स का रिडम्पशन पार पर ही किया जाना है, यदि 100 रुपये लिए हैं और 100 रुपये ही दिए जाने हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब कंपनी मार्केट में तभी जाएगी जब डिबेंचर का मार्केट प्राइस 98 रुपीज़, 95 रुपीज़, 93 रुपीज़ या कुछ 100 रुपये से कम होगा। ऐसी कंडीशन में ही कंपनी अपने डिबेंचर्स को मार्केट से परचेज करेगी। तो चलते हैं, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा? देखिए, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें, जब कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से। ये कंपनी जो डिबेंचर्स मार्केट से परचेज करती है, इसका दो यूज हो सकते हैं। कंपनी या तो इन डिबेंचर्स को परचेज करके कैंसिल कर दे यानी फाड़ के फेंक दे, या फिर कंपनी फिर से इन डिबेंचर्स को इशू कर दे। देखिए, सबसे पहले मेथड की बात करते हैं कि कैंसिलेशन के समय यानी कंपनी अपने डिबेंचर्स को ओपन मार्केट से परचेज करती है और फाड़कर फेंक देती है यानी कैंसिल कर देती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगी? गाइस, केवल 3 एंट्रीज के थ्रू मैं आपको ये कंप्लीट टॉपिक को समझाने वाली हूँ, तो ज़रूर से इसे कंटिन्यू करिए हमारे वीडियो को। सबसे पहले कंपनी ओन डिबेंचर्स को परचेज करती है। कंपनी अपने ही डिबेंचर्स को परचेज कर रही है यानी एक इन्वेस्टमेंट है, एंड इन्वेस्टमेंट ऑलवेज शुड बी डेबिटेड। तो ओन डिबेंचर्स को डेबिट कीजिए, और पैसा कहाँ से गया? बैंक से गया। तो बैंक से कंपनी अपने ओन डिबेंचर्स को परचेज कर रही है, तो फाइनली एंट्री ओन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ पर आपको बात की है, मैं 96 रुपीज़ की बात कर रही हूँ। यहाँ पर जो ओन डिबेंचर्स लिखे जाएंगे, ये ओन डिबेंचर्स कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस के साथ लिखे जाएंगे, यानी कंपनी ने कितने रुपए में मार्केट से ये डिबेंचर खरीदा? कॉस्ट यानी 95 रुपीज़ में खरीदा। मान लीजिए मार्केट प्राइस हमारे डिबेंचर्स की 95 रुपीज़ है, उस पर 1 रुपए के एक्सपेंसेस हुए। एक्सपेंसेस इन द सेंस, जो हमारा मीडिएटर है, एजेंट है, वो अपना चार्ज लेगा, ब्रोकरेज लेगा, हमारे बैंक किसी तरह का बैंकिंग चार्जेस ले सकता है, तो इस तरह के चार्जेस मानते हैं हम 1 रुपया हुआ। तो फाइनली हमने अपने ही डिबेंचर्स को परचेज किया 96 रुपीज़ में। सो एंट्री इज ओन डिबेंचर्स टू बैंक अकाउंट। नाउ अगली एंट्री पर चलते हैं।
एसएल डिबेंचर्स को कैंसिल कर दिया, यानी कंपनी अपने ओन डिबेंचर्स को कैंसिल कर रही है। तो देखिए किस तरह से एंट्री होगी। जो पुराने डिबेंचर्स हैं उन्हें याद कीजिए, जो परसेंटेज डिबेंचर्स जो हमने डिबेंचर होल्डर्स को दिए थे, अब वो उनका कोई काम नहीं, अब उन डिबेंचर्स को कैंसिल करना होगा क्योंकि अब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऐसे डिबेंचर्स तो हमने परचेज कर लिए, तो जो परसेंटेज डिबेंचर्स जो पहले हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट थे, अब उसे डेबिट कर दिया जाए। ऑफकोर्स परसेंटेज डिबेंचर डेबिट कर दिया जाए, और हमें कैंसिल किससे करना है? ऑन डिबेंचर्स से। तो इन ऑन डिबेंचर्स को क्रेडिट कर दिया जाए। यस गाइज, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर्स डेबिट क्रेडिट कर दिया जाए, क्योंकि अभी तक जो ओन डिबेंचर्स जब हमने परचेज किए थे इसे एक संपत्ति के रूप में डेबिट किया था, लेकिन जब हम इसे कैंसिल कर रहे हैं तो रिवर्स इंपैक्ट दे दिया टू ओन डिबेंचर्स। 96 रुपीज़ में परचेज किया था, लेकिन जब हम परसेंटेज डिबेंचर्स की अमाउंट लिखेंगे तो ध्यान रखिए ये हमेशा फेस वैल्यू पर ही होनी चाहिए। तो फेस वैल्यू पर 100 रुपीज़ की रेट से हमने परसेंटेज डिबेंचर को लिया, ओन डिबेंचर्स 96 रुपीज़ पर हुए, तो अब कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। यस, टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स, कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वॉट एवर यू कैन राइट, बोथ आर करेक्ट। सो गाइस, प्रॉफिट जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो कंपनी के लिए क्रेडिट किए जाते हैं, क्योंकि ऑल प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। तो हमने यहाँ इस प्रॉफिट को क्रेडिट किया है 4 रुपये से, तो 100 रुपये से डेबिट हुआ, क्रेडिट हुए 96 + 4, इस तरह से हमारी जर्नल एंट्री बैलेंस हो गई। नाउ अब तीसरी एंट्री किस तरह की होगी? टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स, इस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कीजिए, क्योंकि ये प्रॉफिट एक अनियमित गतिविधि का है, इसलिए यह एक कैपिटल प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? साल के अंत में। जी हाँ, कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा, तो हम कैपिटल रिजर्व में इस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर 4 रुपये से टू कैपिटल रिजर्व में इस 4 रुपये को ट्रांसफ़र कर दिया गया। सो गाइज, अपने डिबेंचर्स को परचेज कीजिए और इसे पुराने डिबेंचर्स के साथ कैंसिल कर दीजिए, और फाइनली जो प्रॉफिट हुआ है उसे आप कैपिटल रिजर्व में ले लीजिए। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन रहा होगा कि क्या यहाँ लॉस नहीं हो सकता? जी कम से कम ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इन प्रैक्टिकल ये पॉसिबल नहीं है। कंपनी मार्केट से अपने ही डिबेंचर्स को परचेज तभी करेगी जब उसकी रिडम्पशन प्राइस से कम प्राइस मार्केट में मिल रही है, यानी कम प्राइस में ही उनसे डिबेंचर होल्डर का रिडम्पशन कर देना हो तभी ऐसा होगा, और ऐसी कंडीशन में हमेशा ही प्रॉफिट होगा। लेकिन बाई चांस एग्जाम में आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन इस तरह का दिया जाए कि कंपनी ने ओन डिबेंचर्स को 104 रुपये में परचेज किया, सो गाइज ऐसे 4 रुपये के लॉस को आपको डेबिट करना होगा ओल्ड डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 104 रुपीज़ में, परसेंटेज डिबेंचर 104 रुपीज़ में टू ओन डिबेंचर्स जो 104 रुपीज़ का होगा, परसेंटेज डिबेंचर 100 रुपीज़ का होगा, सो फाइनली यहाँ पर 4 रुपये का लॉस क्रिएट हो जाएगा। सो गाइज, जनरली यहाँ पर प्रॉफिट ही क्रिएट होता है, इसलिए हमने यहाँ पर प्रॉफिट के साथ आपको एग्जाम्पल दिया है। So finally guys, thank you so much for watching my video.